नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कलाम युवा सम्मेलन में शामिल हुए झारखंड के विनय, देश के पूर्व राष्ट्रपति व मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पांचवी पुण्यतिथि पर ख्वाब टीम की ओर से आयोजित लगातार दो दिनों तक चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड के विनय कुमार शामिल हुए। इस सम्मेलन में देश के अलावा विदेशों से भी कई युवाओं ने अपना प्रतिनिधित्व किया, वह अपनी बातों को रखा। उन लोगों ने बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत देश के गौरव थे। उन्होंने देश के प्रति कई ऐसे तथ्य छोड़ गए हैं जिसे आज की युवाओं को भी प्रेरणा देती है। समाज सेवी विनय कुमार जी ने झारखंड की ओर से शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर कई बातों को रखा, जिसमें बताया कि हमारे देश के लगभग 70% आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। देश को आज़ादी मिलने के बाद सभी पंचवर्षीय और वर्षीय योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की हालत में सुधार लाने के लिए अनेक कार्यक्रमों को चलाने पर जोर दिया गया। वहां उपस्थित अतिथियों से भी उन्होंने आग्रह किया कि जल्द ही इस पर सरकार की नज़र को आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए बने रहिए द खबर। जाता हूँ, मेरा मुख्य मुद्दा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं या सोचते हैं कि मेरा देश डेवलप कब करेगा, मेरा देश अग्रसर और कब करेगा, तो मैं एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आया हुआ हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी जो सुविधाएं हैं, क्या उन्हें सही रूप से या पूर्ण रूप से मिल पाती है। हमारे देश की लगभग 70% आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। देश को आज़ादी मिलने के बाद से सभी पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की हालत में सुधार लाने के लिए अनेक कार्यक्रमों को चलाने पर जोर दिया गया, लेकिन पिछले 50 वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया। अभी भी ऐसे कई गांव हैं जो बुनियादी सुविधाओं से अपूर्ण हैं। देश के बहुत से क्षेत्रों में अब भी ऐसे अनेक गांव हैं जहां आसपास के इलाकों से सड़कों से संपर्क नहीं हो पाता है। उन इलाकों के लोगों को आसपास के शहरों तक जाने के लिए तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज उपग्रहों के माध्यम से संचार सुविधाएं इतनी बढ़ गई है कि भूमंडल की कौन कहे अन्य ग्रहों तक संचार संपर्क होने लगा है। समूचे विश्व में जहां संचार क्रांति का लोग लाभ उठा रहे हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां टेलीफोन की लाइनें तक नहीं पहुंच पाई है। मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वह पिछले बार दिल्ली में एक समारोह में मुलाकात हुई थी। वह हैदराबाद के एक रापसी करके कोई गांव था, वहां की रहने वाली थी। उन्होंने बताया कि हम लोगों को बहुत काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। वह वहां की रहने वाली थी। वो आज भी बोलती है कि मैं गांव जब भी जाता हूं तो बहुत सारे दिक्कतों को झेलना पड़ता है। ऐसे कई ऐसे गांव हैं जहां दिक्कत होती है। वहाँ के लोगों को अपने निकट सभी संबंधियों से टेलीफोन के जरिए बातचीत करने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और तभी वार्ता संभव हो पाती है। आज भी देश के कुछ इलाकों में ऐसे गांव हैं जहां डाकिया हफ्ते या 15 दिनों में एक बार चिट्ठियां लेकर पहुंचती है। देश के शहरी भागों में जहां चारों ओर फव्वारे देखने को मिलते हैं, वहीं लोगों में पीने के पानी की तंगी कुछ इलाकों में अभी पाई जा रही है। मैं दूसरे शहर या दूसरे राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने राज्य की बात कर रहा हूँ। एक वीडियो पिछले महीने वायरल हुई थी, हजारीबाग बड़का गाँव की तरफ की शायद ही थी, मेरे राज्य के ही, जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं व खेतों नालों के पानी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह बहुत कठिन और दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे देश के लिए। जहां देश के शहरी भागों में बिजली की जगमगाहट देखने को मिलती है, आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां लोगों को लालटेन या दीप जलाकर घर में रोशनी करनी पड़ती है।
परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पिछले 5 दशकों के दौरान समूचे देश में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मामले की कोई प्रगति नहीं हुई। सरकारें बहुत आती है, बहुत जाती है, परंतु पिछली सरकार की भी मैं बात करूं, मैं किसी राजनीतिक की बात नहीं करना चाहता हूं, परंतु एक सरकार, एक आम जनता के हैसियत से मैं बोलना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से कुछ सुधार गांवों में आ रही है, जैसे कि शौचालय, बिजली, पानी, परंतु हाँ कुछ ऐसे भी अभी गांव हैं जिसमें सड़क का निर्माण ना के बराबर हुआ है। बिहार के भी कई ऐसे गांवों से वीडियो वायरल होती रहती है जहां बाढ़ आने के कारण कई लोग परेशान हो जाते हैं, जहां सही से अच्छी सड़क नहीं है, सड़कें भी बनती है तो इतनी खराब होती है कि हल्की सी बारिश में बह के चली जाती है। 5वीं योजना के समय यह संकल्प व्यक्त किया गया था कि जिन गांवों की आबादी 1,500 या उससे अधिक है, उन सभी गांवों तक सड़क की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। परंतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत 1991-92 तक ऐसे 65,000 गांवों को ही सड़कों से जोड़ा जा सका। भारत का समग्र विकास बिना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कतई संभव नहीं है। मैं यहां उपस्थित सभी महानुभावों, अतिथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप जिस भी क्षेत्र में होंगे, आप वहां से कभी समय निकाल के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी अग्रसर होइए और ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत समस्याओं को, आप एक लीडरशिप लीडर हैं, आप उस आवाज को उठाने का प्रयास कीजिए।